हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीकेजीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 बायोलॉजी का एमसीक्यू। ये इसका पहला पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 500 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का एमसीक्यू करा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल ऑफ, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सके। अगला है, रस्ट ऑफ व्हीट इज ए, ये किस टाइप का डिजीज है, ये फंगाई डिजीज है। देखिए होता क्या है, व्हीट का जो पौधा होता है इसके लीफ पे पूरा फंगाई लग जाता है और पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है, जब मतलब यंग एज में ही ब्राउन कलर का हो जाता है और सूख जाता है पूरा। अगला है, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ बोन जो है ये ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके अलावा ओरोलॉजी जो होता है, ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर वन में जो है। उसके बाद है स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी जो है इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सीड। लास्ट वन जो है डी नंबर, जियोलॉजी, जियोलॉजी जो होता है ये होता है स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल सरफेस, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है इसके स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं। ऐसे इस टाइप से जो भी स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ ब्रांचेज ऑफ साइंस नाम से एक वीडियो होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, द गैस इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, तो ये गैस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसाइज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, तो ये है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी ये रेस्पायर करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मैमल इज, लार्जेस्ट मैमल जो है ये ब्लू व्हेल है। ये तो काफी आसान सवाल है लेकिन पूछा गया है 2019 का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। अगला है, व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा, तो हाइड्रा में जो होता है ये होता है रिप्रोडक्शन बडिंग, ऑप्शन नंबर बी में है बडिंग, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी, देखिए विटामिन सी जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड का, मतलब विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर, मतलब हर एक विटामिन का कुछ ना कुछ केमिकल नेम होता है, आप लोग यदि नहीं पता है या फिर आप लोग नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में जाके एक वीडियो है विटामिन पे, वो सारा देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि विटामिन से डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से कौन सा विटामिन मिलता है या फिर उसका केमिकल नेम क्या है, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर किया गया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लैक्टिक एसिड जो है ये दूध से बना हुआ जो भी सामान होता है उसमें पाया जाता है, जैसे दही जो हो उसमें यही एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं, परसेंटेज ऑफ CO2 फाउंड इन एक्सहेल्ड एयर, हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 निकलता है, तो उसमें से कितना परसेंट CO2 का होता है, ये होता है 4%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, नेफ्रॉन इज रिलेटेड विथ, तो किससे रिलेटेड है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन रिलेटेड है किडनी से। देखिए किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ रिवर्स करके पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी पर ग्राम, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, रफेज, ये सब आता है, तो इसमें से 1 ग्राम को खाने से सबसे ज्यादा किससे एनर्जी मिलेगा, तो वो होगा फैट, क्योंकि तो फैट जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है और इसमें 1 ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरी एनर्जी होता है। इसके अलावा
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ही एनर्जी रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 और कहां 9, मतलब डबल से भी ज्यादा एनर्जी फैट में होता है। इसीलिए जो लोग ज्यादा फैट का सामान खाते हैं, जैसे तला हुआ सामान या फिर ज्यादा मतलब बटर घी इस टाइप से सामान खाते हैं, तो वो लोग ज्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरी रहता है। और जिन लोग मतलब विटामिन्स जो होता है इसमें कैलोरी नहीं रहता है, तो जो लोग ज्यादातर मतलब हरी सब्जी या फिर सलाद फ्रूट्स खाते हैं जो कच्चा वाला, तो वो सब में विटामिन्स ज्यादा रहता है, एनर्जी थोड़ा सा कैलोरी कम रहता है, तो वो लोग डाइटिंग के लिए यूज करते हैं। जो लोग पूरा पतला होना चाहते हैं वो लोग ज्यादा कच्चा फ्रूट्स या फिर टमाटर खीरा ये सब खा के रह जाते हैं। अगला है, ब्लड क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल इन द ब्लड कॉल्ड, तो ये होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही हम लोग का ब्लड जो है क्लॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है, व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आवर स्किन गेट्स डार्कर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो किसके प्रेजेंस के कारण हम लोग जब धूप में निकलते हैं तो हम लोग का स्किन काला पड़ जाता है, तो ये होता है मेलेनिन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेलेनिन ये सही होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि हम लोग का जो कलर होता है स्किन का कलर, इसके लिए कौन मतलब जिम्मेदार होता है, तो ये भी मेलेनिन ही इसका आंसर होगा। क्योंकि हम लोग के स्किन में यदि मेलेनिन का मात्रा कम जाएगा तो हम लोग का स्किन जो है गोरा होना शुरू हो जाएगा, मतलब पूरा साफ होना शुरू हो जाएगा। यदि जिसका भी मेलेनिन ज्यादा रहता है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी में थायमोसिन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय, ये होता है सैंड फ्लाई के थ्रू, सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी में है। और याद रखिएगा फीमेल वाला जो होता है उससे ट्रांसमिट होता है काला जार। अगला क्वेश्चन है, द वोकल कोड्स इन मैन आर अबाउट, तो ये होता है लगभग 20 mm। देखिए क्वेश्चन में आपको हो सकता है 20 mm के जगह कुछ और भी ऑप्शन मिले, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था 2018 का SSC का, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता है 20 के जगह 17, 18, 22, 21 ऐसे भी रह सकता है। एक्चुअली जो मैन का वोकल कोड होता है ये वेरी करता है, हर एक का तो एक समान नहीं रहता है, तो 17 से लेके 25 के बीच में रहता है। तो आपको 17 से लेके 25 के बीच में जो ऑप्शन होगा उसी को आप टिक कीजिएगा। और यदि फीमेल वाला दिया हो तो फीमेल वाला लगभग 12 से 17 के बीच में होता है, तो आप लोग फीमेल वाला, क्योंकि मैन पूछा है तो हो सकता है फीमेल पूछ दे, तो 12 से 17 के बीच में जो होगा उसको फीमेल वाला में आप टिक कर सकते हैं। अगला है, रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, तो देखिए रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है इसको रिड्यूस किया जाता है, यही कारण है कि हम लोग जो फ्रिज में सामान रखते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं फ्रिज को, तो रेफ्रिजरेटर में जो सामान रखते हैं वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो कम होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है क्योंकि उतना ज्यादा वहां कम टेम्परेचर रहता है। अगला है, सिनेमोन इज ऑब्टेंड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट्स, ये इसका सही आंसर होगा बार्क। बार्क किसको, पेड़ का मतलब, बार्क मतलब छाला होता है जो पेड़ के ऊपर जो रहता है एक मोटा सा परत, उसको बार्क बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, व्हिच पार्ट ऑफ पियर इज इडेबल, देखिए पियर एक फ्रूट है, इसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो इसका खाते हैं हम लोग फ्लैसी थैलेमस, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ऐसे मैं इस पे टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। देखिए साइंस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, खासकर जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा है, फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री, तो आप लोग एक बार चैनल पे जरूर देखिए जाके, वहाँ पे साइंस वाला पार्ट जो भी है वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और इस टॉपिक पे जो वीडियो है इसका तो ऊपर आई बटन में लिंक मैं दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। किस पार्ट को मतलब किस फ्रूट के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं सारा कुछ उसमें कवर किया गया, और सब जो एग्जाम में पूछा गया सिर्फ वही कवर किया गया, मतलब ऐसे तो बहुत सारा फ्रूट होता है तो सारा कुछ नहीं कवर किया गया, जो एग्जाम में पूछा गया वही सारा कुछ कवर किया गया।
अगला है लंग्स ऑफ ए प्लांट आर, ये होता है लीव्स, पत्ता जो होता है ये प्लांट का लंग्स होता है, इसके अंदर स्टोमेटा रहता है, एक छोटा छोटा छेद रहता है, आप लोग देखे होंगे पत्ता में। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और ये वीडियो यदि आप हिंदी में चाहते हैं इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। ऐसे मैं हिंदी का जो सीरीज लेकर आया हूँ जीके जीएस वाला 1000 वाला, उसमें सारा कुछ कवर रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस चैप्टर भी सारा कुछ कवर रहेगा। तो आप उसका तो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, बाकी का सारा पार्ट इसके साथ ही चलते रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश वाला भी बहुत सारा अपलोड है, आप लोग एक बार चैनल पर जाके जरूर देखें। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सोशल मीडिया का, वहाँ से जाके डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं रिप्लाई करूँगा यदि आप लोग मतलब कोई ऐसा डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।